अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं मीडिया फोकस चैनल पे प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। आज के प्रोग्राम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आज हम आपको टिप्स बताएंगे कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे बनाया जाए और अपनी अपीयरेंस को इन्हेंस कैसे किया जाए। कुछ टिप्स हैं जिस पे आप अमल करके अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हैं और वो टिप्स को फॉलो करने के बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ अपने लुक के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी अपीयरेंस के अंदर भी आप काफ़ी चेंजेस महसूस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी टिप्स की। नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर ये 6 से 8 घंटे की नींद आप अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हैं, डेली रूटीन में आपकी नींद 6 से 8 घंटे से कम है, तो आप काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है। बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक नींद कम लेने से बहुत ज़्यादा वेट गेन के मसले होते हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा रात को स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाना, स्क्रीन यूज़ करते रहना, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप्स पे लगे रहना, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो स्लीप का थोड़ा सा ख्याल रखें, नींद टाइम पर लें। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो टाइम है वो स्टडीज़ के मुताबिक एक आइडियल टाइम समझा जाता है सोने के लिए। तो अपनी स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, काम और अपने सोने के स्केड्यूल को एक स्केड्यूल बना के उसके हिसाब से चलें, तो आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें नशा आवर इस चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत होती है, जैसे कि सिगरेट नोशी, तंबाकू का इस्तेमाल, अल्कोहल, पान, गुटखा, छालिया, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अनअट्रैक्टिव भी बनाते हैं और साथ ही साथ आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। सिगरेट की वजह से आपके फेफड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जिगर को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। पान, गुटखा, छाली की वजह से आपको पता है हमारे मुल्क में ओरल कैंसर कितने ज़्यादा कॉमन हैं। तो अगर आप ये चीज़ें क्विट करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी से खुद ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे और आसपास के लोग भी देख के आपको खुश होंगे। आपकी एक आइडियल पर्सनैलिटी होगी और दूसरे आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे, क्योंकि एडिक्शन जो होती हैं आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। और तो और आपके पास से जो लोग सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो वैसे ही थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में एडिक्शंस को, यानी नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल को कम से कम करें और हो सके तो उसे ख़त्म कर दें। उम्मीद करते हैं आज की जो टिप्स हमने आपको बताई हैं आपको पसंद आई होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टिप्स। अल्लाह हाफ़िज़।